वाइजक में टीम इंडिया ने की थी जीत के साथ शुरुआत। तिरुवनंतपुरम में भी उसी सिलसिले को रखा आगे। गुवाहाटी में टीम इंडिया की लड़खड़ाई, लेकिन रायपुर में जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम ने किया है पलटवार और इस जीत के साथ सीरीज पर भी कर लिया है एक मैच पहले ही कब्जा। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। इस मैच के टेकअवेज के साथ मैं हूं सैयद हुसैन। और सबसे पहले अगर बात करें इस मुकाबले की, जहां पर भारत ने 174 रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद 154 पर ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। इसका क्रेडिट जाता है अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई की शानदार फिरकी को, एक अबूझ फिरकी। रवि बिश्नोई ने जहां 4 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिए, हालांकि अगर अंपायर्स का कुछ फैसला उनके साथ रहता तो शायद ये विकेट भी बढ़ जाती। मैकडरमट को काफी परेशान किया था उन्होंने, लेकिन अक्षर पटेल 4 ओवर 16 रन 3 विकेट, इन दोनों स्पिन बोलर्स की अगर बात करें तो 8 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट, झटके इकोनॉमी बिल्कुल 4 के आसपास। दूसरी चीज जो सबसे शानदार रही, अगर अक्षर पटेल के आप लेंथ पर नजर डालेंगे तो कोई भी उनकी गेंद शॉर्ट लेंथ पर नहीं पिच की थी, ना ही उन्होंने कोई भी फुल टॉस डाली थी। 2 विकेट उन्होंने गुड लेंथ पर हासिल किए और 1 विकेट फुल लेंथ पर जो बाएं हाथ के बैटर का था। दूसरी तरफ रवि बिश्नोई की बात करें तो उन्होंने भी काबिले तारीफ प्रदर्शन किया और एक भी उनके तरफ से भी 24 गेंदों में शॉर्ट लेंथ पर नहीं गिरी। यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज लगातार स्वीप करने के लिए गए जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती रही। पर उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले अगर आप नजर डालें तो एक वक्त भारतीय पारी थोड़ा लड़खड़ा गई थी। हालांकि अच्छा आगाज दिलाया था यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने, लेकिन उसके बाद जल्दी जल्दी कुछ विकेट गिरे। वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर कुछ खास कर नहीं पाए। सूर्य कुमार यादव भी आज जो उम्मीद थी उनसे रायपुर में, वो सूर्य चमकता हुआ नजर नहीं आया। नतीजा ये हुआ था कि पारी लड़खड़ाई थी, लेकिन आज रिंकू सिंह का एक अलग रूप देखने को मिला। इस बार वो उस पोजीशन पे नहीं आया था जहां पर सिर्फ आकर तेज हिट कर रहा था, बल्कि पारी को संवारना था। उन्होंने संवारा और उनका साथ दिया जितेश शर्मा ने। हालांकि जितेश शर्मा का ये तीसरा T20 आई था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 2 मैचेस एशियन गेम्स में खेले थे, लेकिन सही मानों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी टीम के खिलाफ ये पहला मुकाबला, और उन्होंने अपनी पारी से साबित किया कि क्यों इस खिलाड़ी को कई खिलाड़ियों से पहले तरजीह दी जाती है भारतीय एकादश में। जिस अंदाज उन्होंने बल्लेबाजी की है, 19 गेंद 35 रन। रिंकू सिंह भले ही अर्धशतक से चूक गए, लेकिन एक बार फिर से साबित किया कि भाई भारतीय टीम के जो फिनिशर का रोल बहुत दिन से खाली चल रहा है, उसके लिए बड़े मजबूत दावेदार है। हम तुलना नहीं करेंगे, बाकी आप समझदार हैं इशारा किधर है। भाई जीत तो हो गई, लेकिन अगर कमजोरियों की तरफ चलें तो जो बात हम लगातार करते आए हैं कि क्या भारतीय लोअर ऑर्डर पूरे तरीके से फिट है, क्या पूरे तरीके से डेप्थ है, गहराई है, ऐसा लगता नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो जैसे ही आउट होते हैं जितेश शर्मा, उसके बाद पारी लड़खड़ा जाती है। अक्षर पटेल ने खाता नहीं खोला, दीपक चाहर ने खाता नहीं खोला, रवि बिश्नोई के बल्ले से भी कुछ खास रन नहीं आए। तो जो एक लोअर ऑर्डर की कमजोरी है या जो गहराई है, इस पर भारतीय टीम को थोड़ा देखना होगा और इस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस मुकाबले में आपने आखिरी 5 विकेट सिर्फ 7 रन पर गवाए और 9 गेंदों का ही सामना किया आखिरी 5 विकेट्स ने। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है बड़े टूर्नामेंट में, खास तौर से नॉकआउट मुकाबले में। और खास तौर से अगर बात करें बेन ड्यूशियस की, जो पहला मैच इस सीरीज में खेल रहे थे, उन्होंने कमाल की डेथ गेंदबाजी की, खास तौर से वो 19वां ओवर जब जितेश शर्मा को आउट किया, वहां से मैच थोड़ा घूमा ऑस्ट्रेलिया की तरफ। उसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और विकेट ली और फिर आखिरी ओवर में जब रिंकू सिंह पर सबकी निगाहें थी, तब हैंड ऑफ उनको आउट करते हुए पवेलियन को रास्ता दिखाते हैं और वहां से शायद भारत 20 से 25 रन कम रह गया। तो डेथ ओवर की अगर गेंदबाजी की बात करें तो ये दोनों गेंदबाजों ने किया था कमाल का प्रदर्शन, लेकिन जीत भारत की झोली में गई और एक से भारत ने ये सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है। यानी अब अपने ही घर में टीम इंडिया की लगातार 14वीं T20 बाइलेटरल सीरीज जीत थी, जो एक अपने में ही एक अनोखा और शानदार वर्चस्व दिखाता है भारत का।